दोस्तों, अगर आपका नाम चू ले चो ला ली लू ले ओ आ नाम से शुरू होता है तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम वर्ष 2022 से आपका पूरे साल का राशिफल आपको बताने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप आने वाले साल का राशिफल जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वर्ष का शुरुआती समय आपके लिए व्यवसाय और नौकरी की दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भरी रखेगी, व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के नए योग बन रहे हैं। अगर आप नए क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको लाभ हो सकता है। व्यवसाय के संबंध में और नए विचारों में आपकी रुचि इस साल बढ़ सकती है। साथ ही इस साल मेष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा का भी मौका बन रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपकी अपने बॉस के साथ धोखाधड़ी या परेशानियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको यहां पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों नौकरी में पदोन्नति के योग की प्रबल संभावनाएं इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सबसे शुभ समय मध्य मई से अक्टूबर तक होगा। यानी कि अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करने वाले हैं तो आप खासकर उसे मिड मई से यानी 15 मई से 31 अक्टूबर के बीच में करें। वहीं अगर नवंबर और दिसंबर महीने की बात करें तो दोस्तों इस महीने में आपको अपनी ऊर्जा काफी कम महसूस होगी, आपको काम करने में कम मन लगेगा। इस दौरान आपको कोई परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, इसलिए दोस्तों आपको 2022 का नवंबर और दिसंबर का महीना बड़े आराम से बिताना है, नहीं तो आपको कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों अगर आपके परिवार की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत काफी शुभ रहने वाली है। बृहस्पति और शनि के चतुर्थ भाव पर संयुक्त दृष्टि है, इसलिए मेष जातकों के परिवार में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। साल के अंत तक घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं और आपको खुश रख सकते हैं। मई से लेकर अगस्त तक की अवधि पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच आपको पिता की सेहत से लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। विवाहित जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता इस वर्ष भर बनी रहेगी। दोस्तों अगर आर्थिक स्थिति से इस वर्ष की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से जनवरी से अप्रैल तक का समय आपको शुभ परिणाम देगा। इस समयावधि में आप आर्थिक जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की उम्मीद कर सकते हैं या फिर इस दौरान आपको किसी तरीके का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। लेकिन अप्रैल के प्रारंभ से ही राहु आपकी राशि में होंगे, इसलिए इस समय आपको संभलकर चलना होगा। कोई व्यापार या व्यवसाय साझेदारी में करने से पहले अच्छी तरीके से आप उस पर विचार कर लें। अगर छात्रों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल की शुरुआत में आपको मिले जुले परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मेष जातकों का शैक्षणिक जीवन वर्ष की शुरुआत से यानी जनवरी से मार्च तक आपको मिश्रित परिणाम देगा। यानी कि आपको कहीं कहीं पर लाभ देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको हानि देखने को भी यहां पर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जुलाई से लेकर नवंबर तक छात्रों को यहां पर केवल और केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको इस वर्ष कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। अगर आप इस वर्ष थोड़ी सी भी कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको इसके पूर्ण रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर दोस्तों इस साल स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी,
लेकिन बाद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों इस साल वैसे तो आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अप्रैल के प्रारंभ से आपको पेट से जुड़ी समस्या या परेशानियां हो सकती हैं। इस दौरान पेट संबंधी बीमारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आपको अपने सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने भोजन, योग, ध्यान और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी जाती है। यदि उचित देखभाल की जाए और स्वस्थ आहार का पालन किया जाए तो वर्ष के अंत तक बिना किसी लंबी बीमारी के सुखी और खुशहाल जीवन जीने में आप सफल होंगे। खुश और मानसिक रूप से शांत रहने की संभावना भी इस साल काफी प्रबल है। दोस्तों अगर आप इस साल को अपना एक बहुत अच्छा साल बनाना चाहते हैं तो दोस्तों मेष राशि वालों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने घर या किसी मंदिर जाकर प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें। तांबे के पात्र से रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ दें, साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करते रहें। दोस्तों इस चैनल पर हमने अन्य राशियों से जुड़े भी राशिफल आपको बताए हैं। अगर आप वह भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने राशि के अनुसार राशिफल देख सकते हैं। दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।